हेलो गाइस यार, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वाले वीडियो में, जहाँ पर मैं आप लोगों को बताने चाहूँ कि कैसे आप लोग बना सकते हैं एक बहुत बढ़िया सा लाइफ स्टाइल का सर्वर अपने 24/7। इसको एटरनोट्स में भी बना सकते हैं, पर मैं एंड्रॉइड्स में बना रहा हूँ। तो या पर एंड्रॉइड्स में बनाने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये हमारा 24/7 रहेगा ये सर्वर, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो आप लोग भी पार्ट वन जाके देखाओ, ये पार्ट टू भी नहीं है, ये पार्ट थ्री है। आप लोगों सबको पता होगा कि मैं पार्ट थ्री बना रहा हूँ। तो यस, और मैं बैक टू बैक ही दोनों वीडियोस अपलोड करूँगा। मतलब अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले पार्ट टू बनाया है और अब पार्ट थ्री बना रहा हूँ। ओके, थोड़ी देर पहले नहीं, मैंने कल रात को बनाया था पार्ट टू, पर उसे अपलोड नहीं किया है, आज अपलोड करूँगा। तो या गाइज, आप मुझे पता है कि आप अभी पार्ट टू देख करके ही पार्ट थ्री पे आ रहे हो। अगर नहीं देखा पार्ट टू देखो, और अगर पार्ट टू भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, अभी डायरेक्ट इसी वीडियो पे आओ, जाके पहले पार्ट वन देख करके आओ, तभी आप लोगों को सब चीज़ समझ में आएगा। तो गाइज चलो, मैं अब आप लोगों को बताता हूँ करना क्या है। तो मुझे जो आप लोग को याद होगा, पार्ट टू में हमें एक प्रॉब्लम आ रहा था RTP का, तो उसे अब मैंने फिक्स कर लिया। और वो बहुत बहुत कॉमन सा चीज़ था, जो बहुत मतलब ऐसा गलती कर रहा था मैं। ठीक है, मैं फटाक से लॉगिन करके आप लोगों को बताता हूँ क्या गलती कर रहा था मैं। ओके चलो गाइस, नाइस, चलो ठीक हो गया। डीलक सबको सेटअप करने के लिए मैं बता दूंगा, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो मैं आप लोगों को बता दे दूंगा वो वीडियो। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियोज़ में क्या किया था, बस NPCs बनाया था और कुछ काम तो हो नहीं रहा था। ठीक है, एंड यहाँ पर ऐसा NPCs बन गया, पर इसमें हमारा प्रॉब्लम आ रहा था RTP में। ठीक है, RTP कैसे करना था, वो हम लोग गलती क्या कर रहे थे, हम लोग LS वर्ल्ड में कर रहे थे, और LS वर्ल्ड इनवैलिड उसके लिए हो रहा था। मतलब वहाँ पे वर्ल्ड वर्ल्ड सब जगह सेट किया हुआ है, पर पता है RTP में भी ये बहुत टाइम ले रहा है। मेरे कहने का मतलब हो गया कि अब हमें कुछ प्लगइन्स को हटाना पड़ेगा, और कुछ प्लगइन्स हम लोगों ने उस दिन फालतू भी डाल दिया था, तो कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो हमें दिक्कत दे रहे हैं। तो पहले मैं आप लोगों को RTP करके दिखा देता हूँ, /RTP वर्ल्ड, इसका कमांड ये है। ठीक है, ये गलत कमांड है, इसका कमांड ये है, देखो। और हम लोग इसको लोडिंग चंक्स, प्लीज़ वेट, और देखो लोडिंग चंक्स हो जाने के बाद देखो RTP कर दिया हम लोगों को इन्होंने। तो देखो ऐसे ही ये हमारा ठीक है, अभी देखो RTP होने में यहाँ पर टाइम लग रहा है। तो हमें मतलब क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमें क्लियर लैग एक प्लगइन डालना पड़ेगा, और एंड कुछ प्लगइन्स को हमें हटाने पड़ेंगे। एंड देखो ये हमारा RTP हो गया है। ठीक है, तो हम लोग को बस कुछ नहीं, वर्ल्ड चेंज करना है। ठीक है, ये इतना सा प्रॉब्लम है कि हमने वर्ल्ड चेंज करना था, तो चलो कर दिया। अब हम लोग नॉर्मल वर्ल्ड में RTP करेंगे, और नॉर्मल वर्ल्ड डिलीट हो भी नहीं सकता, तो स्टार्ट कर अब आगे काम। तो अभी इसको ऐसे ना हम लोग इसको डिसकनेक्ट कर देते हैं, और हम लोग सबसे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स डाल देते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्लगइन, ओ सॉरी, ये मैंने क्यों क्या खोल रखा है। ठीक है, मैं एक्चुअली हर्ट MC को कुछ मतलब देख रहा था, काम कर रहा था, वही देख रहा था कि क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। हर्ट MC का तो हो जा रहा है, मेरे में नहीं हो पा रहा, तो वही मैं देख रहा था। चलो हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब मेरे को समझ में आ गया, मैं बहुत छोटा सा मिस्टेक कर रहा था। अब चलो गाइस, हम लोग एक प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं, जिस प्लगइन का नाम है क्लियर लैग। क्लियर लैग तो सबने यूज़ किया हुआ है, क्लियर लैग प्लगइन। ठीक है, और ये 1.19 के लिए भी अवेलेबल है, तो आप लोग उसको 1.19 में भी यूज़ कर सकते हो। डेव बकेट, अरे बकेट वाला नहीं, वेट गाइस, स्पाई गॉट MC क्लियर लैग प्लगइन हो गया, सही है ये वाला। और होलोग्राफिक डिस्प्लेज भी लास्ट बार प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसको भी हम लोग ठीक कर लेंगे। अभी पहले क्लियर लैग डाल लेते हैं, और एसेंशियल्स एक्स स्पॉन भी आप लोग डाल देना, वरना काम नहीं करेगा ये। ओके, एसेंशियल्स एक्स स्पॉन डाला है, तो शायद चल रहा होगा, और बस ठीक है, अभी आगे काम कर लेते। तो देखो फाइल्स में जाना आप लोग, उसके बाद प्लगइन्स में जा करके, यहाँ कुछ प्लगइन्स काम के नहीं है। अब जैसे मैं वो प्लगइन्स में Essentials XGOIP, रुको मैं देख लेता हूँ कौन सा काम का नहीं है। डिलक्स सब तो काम का है, Essentials JOIP लॉगिन सिक्योरिटी, कुछ ऐसा काम का प्लगइन तो सभी है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हटा देते हैं, आई थिंक इधर इसका डिस्क स्पेस भी भर रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, अभी क्लियर लैग डाल देते हैं। ठीक है, आ जा भाई, ये कौन सा था, एसेंशियल्स एक्स स्पॉन, अरे वो मैंने गलत हटा दिया, लेट मी सी, उसको नहीं हटाना था गाइस, मैंने गलती कर दी, इसको नहीं हटाना था, सॉरी सॉरी, उसके ऊपर वाला को हटाना था। किधर गया, अपलोड हुआ कि नहीं, चलो ठीक है हो गया। ठीक है, इसको वैसे ही रहने दो, कुछ नहीं हटाएंगे हम लोग, सब कुछ वैसे ही रहने देंगे, कुछ भी नहीं हटाना है। और इधर बस क्लियर लैग डाल देना है, जो कि डला चुका है,
और कुछ नहीं, सर्वर को रीस्टार्ट कर लेना है क्योंकि क्लियर लैग से दिक्कत, मतलब क्लियर लैग से अब दिक्कत नहीं होगा। देखो मेमोरी इतना भर जाता है, खैर 1 GB भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन CPU लोड देखो इसका 85% है पर इसमें 90, ओ माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही नहीं यूज़ हो रहा है, आउट ऑफ द लिमिट हो जा रहा है, इसीलिए बार बार ऐसे क्रैश कर रहा है या फिर बंद हो जा रहा है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, ठीक है। और 2 GB तो रैम ही इसमें है, कोई बात नहीं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग देखो लग पम्स हो गया, डीलक्स सब हो गया, ये सब का प्लगइन का सेटअप मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एंड इसी को सेटअप करेंगे, पर उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ओके। और अगर आप लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं, जैसे बहुत दिनों के बाद आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक होगा, ठीक है, लग पम्स का भी और डीलक्स सब का भी। अभी जा करके आप लोग देख लो, डिस्क्रिप्शन में होगा अगर आप लोग लेट से वीडियो देख रहे हो, और अगर आप लोग जस्ट अपलोड करने के जस्ट बाद देख रहे हो तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब मैं डाल दूंगा, जैसे बनाऊंगा वीडियो तो देख लेना, एक बार चेक कर लेना। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग इसको दो दो तीन तीन बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अब तक आ गया होगा, या फिर नहीं आया तो कोई बात नहीं, वेट कर लो, मैं फ्यूचर के बॉन्डल को बोल देता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अभी यहाँ पर ये रीस्टार्ट हो रहा है तो मैं मिलता हूँ फटाक से रीस्टार्ट करी, तो तब तक मैं बता देता हूँ लॉबी वॉबी कहाँ से डाउनलोड करना है, तो मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, एंड मैंने वहीं पर अपलोड कर दिया लॉबी का लिंक, ठीक है। एक लॉबी का शायद मैंने नहीं किया था, जो लेटेस्ट लॉबी कल जो डाला था मैंने, तो वो वीडियो ही अभी तक नहीं डाला है मैंने, तो क्यों अभी अपलोड करूँ, खैर कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ओके ठीक है, मैं मिलता हूँ गाइस सर्वर को रीस्टार्ट हो जाने के बाद और बता दूंगा कहाँ पर लॉबी का डाउनलोड लिंक है, ओके। चलो गाइस हमारा हो चुका है यहाँ पर सर्वर पूरा, मतलब रीस्टार्ट हो चुका। अरे भाई नहीं 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 डोंट टेल मी कि मैंने दोबारा से रीस्टार्ट पे क्लिक कर दिया मिनिमाइज करने के बजाय। चलो सही है, मेरे को लगा दोबारा रीस्टार्ट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, अगर हो भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं था भाई। हाँ नहीं, हमको लगा था सही में ना हो रहा है। चलो लेट्स गो लेट्स गो, मेरे को लॉगिन कर लें, तो मैं पासवर्ड थोड़ी ना दिखा देगा फ्री में, ठीक है, ओके गाइस चलो लॉगिन कर लिया मैंने, और ये सर्वर अभी भी लैग कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, खेलते खेलते अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरे को ना इसका टॉगल हटाना पड़ेगा, /ZNPCS टॉगल ID 1 जो भी है, मतलब इसका टॉगल हटा देंगे ना तो ये लैग कम हो सकता है, पता नहीं, और कुछ स्कोरबोर्ड ये सब डिसेबल, ये सब करते करते हो जाएगा, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और डीलक्स सब को भी, इसको और साइड में जो स्कोरबोर्ड दिख रहा है इसको भी हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है यार, मैं अलग से डेडिकेटेड स्कोरबोर्ड एंड ये सब डालूंगा। अब इसमें कमांड डाल देते हैं /ZNPCS एक्शन एड ID 1 कॉन्सोल RTP वर्ल्ड नहीं 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 सॉरी, मैं अभी गलती करते करते बचाऊँ, मैंने एक और प्लगइन नहीं डाला, कमांड पैनल्स, यार कमांड पैनल्स ही तो ज़रूरी है इसमें, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि लाइफ स्टाइल सर्वर में जब भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर 3-4 ऑप्शंस आते हैं, और उसमें क्या क्या ऑप्शन आता है कि ओवर वर्ल्ड टेलीपोर्ट टू ओवर वर्ल्ड, या फिर कौन सा वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करना है वो उसमें पूछता है, तो हम लोगों ने तो डाला है नहीं उसे, तो उसको डालने के लिए हम लोग सिंपली कमांड पैनल्स यूज़ करेंगे। कमांड पैनल्स मैं अभी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, मिलता हूँ मैं ऐड करके कमांड पैनल्स को। एंड गाइज मैं बताना भूल गया, प्लगइन तो इंस्टॉल करने आता ही होगा, अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखा तो उसी तरीके से आप लोग इसको भी इंस्टॉल कर लो, जैसे डाउनलोड ना, इधर जा करके फाइल्स में जा करके प्लगइन्स के अंदर यहाँ कमांड पैनल्स .jar को अपलोड कर दो आप लोग, तो देखो ये पूरा तुरंत हो जाता है, इसीलिए ये बढ़िया है यार, ये बढ़िया चीज़ है, ठीक है, कि टाइम नहीं लगता कितना, तो बहुत देर लगा देता है। चलो हम इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ मैं, और बताता हूँ कमांड पैनल्स को कैसे सेटअप करना है, ओके। अच्छा गाइस एक और चीज़ नहीं बताया, डिस्कॉर्ड पे कहाँ मिलेगा डाउनलोड लिंक, मैं फिर भूल गया यार, मैं मतलब मुझे याद ही नहीं था, तुरंत मैं देख लेता हूँ, अरे यार जल्दी खुल जाए डिस्कॉर्ड, ठीक है मैं जल्दी से डिस्कॉर्ड खोल लेता हूँ, ओके। चलो गाइस डिस्कॉर्ड खोल लिया, अब यहाँ पर आगे जाना, मेरे सर्वर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर इनवैलिड लिंक है, एक्सपायर्ड है लिंक, तो क्या करना आप लोग थोड़ा सा लेटेस्ट वीडियो देख लेना मेरा, लेटेस्ट वीडियो जो भी होगा उसके अंदर लिंक वैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड लिंक्स के अंदर आ जाना है, देखो hubmap.rar, ठीक है,
और इसी के अंदर मतलब मैं अभी आपके सामने अपलोड कर लेता हूँ दूसरा वाला भी, लॉबी लॉबी वैली, ठीक है, और इसे अपलोड कर देता हूँ आपके सामने, अपलोड कर दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि देखो लॉबी का मैप मतलब डाउनलोड लिंक यहीं पर है। ओके चलो गाइस, अब मैं फटाक से सर्वर रीस्टार्ट कर लेता हूँ, मतलब रीस्टार्ट हो गया होगा आई थिंक, हो रहा है, तो मैं मिलता हूँ रिस्टार्ट हो जाने के बाद। ओके चलो गाइस, नाइस गुड वेरी गुड वेरी नाइस। अब चलो इसको हम लोग एक बार रीस्टार्ट मतलब रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो हमारा वो वाला प्लगइन डला गया है और मैंने क्रेट्स के लिए अभी अभी बात कर लिया है, एंड शाउट आउट टू रौनक भाई, मतलब यस। तो ओके मैं लॉगिन कर लेता हूँ फटाक से। चलो गाइस लॉगिन कर लिया मैंने, देखो क्रेट्स के लिए भी मैंने बात कर लिया है एंड यहाँ पर क्रेट्स बनेगा, ठीक है, पर वो अभी का काम नहीं है, वो बाद का काम है, हम लोग वो बाद में करना है, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने मल्टीवर्स इन्वेंटरीज नहीं डाला है, ठीक है, पर डाल दूंगा उसे भी। आई थिंक हमारी जो नहीं उसको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों पता नहीं, उसको भी डालना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने वार पीवीपी बनाना है तो उसको भी तो डालना ही पड़ेगा यार, ठीक है। लाइफ स्टील एसएमपी रैंडम टेलीपोर्ट, यहाँ पर अब हम लोग पैनल्स ऐड करेंगे, कमांड पैनल्स, देखो स्लैश प्लगइन्स लिखते हैं, देखो कमांड पैनल्स एक प्लगइन आ गया है, अभी इसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके लिए हम लोग फाइल्स में जाएंगे, प्लगइन्स में जाएंगे और अभी हम लोग यहाँ पर इसमें कमांड पैनल्स के अंदर जाएंगे। क्रिएट प्लस मैं बताता हूँ, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है तो उसे जानना है, मुझे जानना है कैसे होगा। पैनल्स देखो इसके अंदर होगा, एग्जाम्पल बॉटम मिडल, ये सब का कुछ काम नहीं, आपको न्यू फाइल करना है और सीधा यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही लिखना है, वरना मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी ये पूरा लिख करके दे दूँगा, पर मैं रेकमेंड करूँगा आप लोग खुद से लिखो क्योंकि इतना तो भाई डेवलपर बनना है, इतना काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो अब बताता हूँ सबसे पहले वाले लाइन में क्या लिखना है, आपको लिखना पैनल्स एंड इसको ना प्लेन टेक्स्ट से हटा करके वाई एम एल कर देना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, वाई एम एल, ठीक है, पैनल्स और ऐसे लिखना है, ठीक है, पैनल्स लिखेंगे, देखो ब्लू में हो जाएगा, अरे एंड अच्छा बैक स्पेस दबा दिया। उसके बाद सेकंड रो में यहाँ से लिखेंगे सर, अरे सर्वाइवल नहीं, रैंडम टेलीपोर्ट नहीं, आरटीपी, फिर इधर भी ऐसे एक रो दे देंगे, मतलब ऐसे एक वो दे देंगे, फिर उसके बाद परम लिखेंगे लोग, मतलब इसके परमिशन बता देंगे इसको, ठीक है, तो इधर ऐसे परम डिफ़ॉल्ट, मतलब डिफ़ॉल्ट परमिशन रहेगी इसकी, फिर रोज़ वन, ठीक है, और ये पूरा मैं आप लोगों को ना मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, पूरा लिखा हुआ ही लिख के ही आप लोगों को डायरेक्ट मिलता हूँ, ठीक है, एंड आप लोगों को बस कुछ नहीं कॉपी पेस्ट करना होगा, ओके, ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए भी। तो गाइज पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है, कि मतलब जैसे आप लोग को समझ में आए तो अगर आप लोग अपने से कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहो तो कर लो, ठीक है। तो पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, देखो पहले यहाँ पर इसे क्रिएटिव कर लेता हूँ मैं और यहाँ से एक चेस्ट उठा लेता हूँ, देखो चेस्ट यहाँ से, अरे ट्रैप चेस्ट नहीं चाहिए हमें, किसी को ट्रैप तो नहीं करना है, ठीक है, और इसके बाद अरे ये क्या हटा दिया मैंने चेस्ट, अरे यार मैं बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ, सॉरी गाइज अब से नहीं करूँगा, ठीक है। ये रोज़ है, फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो, ठीक है, ऐसे ही रोज़ है, रोज़ में भी आईडी होती है, ये ज़ीरो, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव, ये 25 है, मतलब इसकी आईडी होती है, जैसे रो रो ज़ीरो, रो ज़ीरो मतलब सॉरी रो ज़ीरो कह रहा हूँ, बॉक्स ज़ीरो, तो ये ज़ीरो, इसकी आईडी ज़ीरो है, थ्री तो वन टू मतलब ज़ीरो वन टू थ्री, ठीक है, थर्ड। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होगा गाइस, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपली मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है पहले, नहीं कुछ करना तो है ऐसे, हमें जो है मैं डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, मतलब ऐसे लिख के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले मैं यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये बताना चाह रहा था कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो नेदर ये रहेगा, पहले इसे टू में ले लेते हैं और इसे वन में, और एंड एंड स्टोन,
अंडरस्कोर थ्री, नहीं अरे ग्रास ब्लॉक हट गया। ठीक है देखो, अभी एक जगह पे यहाँ पे सर्वाइवल, ठीक है द सर्वाइवल, फिर यहाँ पे नेदर, सही है, फिर यहाँ पे एंड, ठीक है। आरटीपी का तीन जगह है रहेगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमें इस तरीके का बनाना है। तो मैं बताता हूँ इस तरीके का कैसे बनाते हैं, ठीक है। एंड गाइज इजी होने के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, माइनक्राफ्ट, माइनक्राफ्ट इन्वेंटरी आईडी, इन्वेंटरी आईडी ऐसे लिखोगे ना तो यहाँ पर इन्वेंटरी की पूरी आईडी आ जाएगी, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आसान भी हो जाएगा आप लोग के लिए। जैसे 0 1 2 3, यानी अच्छा मैंने गलत उस समय गिना था, यहाँ पर 26 होते हैं। चलो ठीक है, बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने ताकि आप लोग को ईजी हो। चलो गाइज मैंने बहुत मेहनत करके इसे पूरा लिख लिया है भाई, यार कहते ही थक गया मैं, ठीक है। एक्चुअली मुझे सब चेंज करना पड़ा, ठीक है, वो भी मैंने टाइप्ड ही निकाला था पर उसे चेंज करना पड़ा। अब डिलक्स सबको सेटअप करना रह गया है तो मैं डेडिकेटेड वीडियो में करूँगा, पहले ही कह दिया। और चलो तो देखो अभी ये काम बहुत मस्त कर रहा है, मैं आपको स्लैश लॉबी करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इसमें अब कोई गड़बड़ नहीं है। और देखो बस ये है कमांड पैनल, कमांड पैनल, अच्छा, हाँ बताया नहीं मैंने, आरटीपी, ठीक है, इसको ऐसे कर लेना। एंड फिर द एंड वर्ल्ड द नेदर, देखो नेदर में भी टेलीपोर्ट कर सकते हो, देखो वाओ वेरी नाइस यार, बहुत मस्त चीज़ है यार। चलो ठीक है अब हम लोग इसको जेड एन पी सी एस में लगा देते हैं। अब जेड एन पी सी एस में लगाने के लिए हम लोगों को सिंपली अब लॉबी करना होगा, ठीक है, बहुत मस्त काम कर रहा है। और आपको बस कुछ नहीं, अब बता देता हूँ इसे करना कैसे है। तो यहाँ पर ना न्यू फाइल जाना है, ठीक है, मतलब वहाँ पर नहीं, मतलब सब मैंने गलत जगह आ गया, मीन गलत हो गया, इसको बैक करो, ठीक है। न्यू फाइल आपको जाना है यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर, और वहाँ पर जाकर के डीलक्स हब, सॉरी डीलक्स हब क्यों बोल रहा हूँ मैं, कमांड पैनल्स के अंदर, पैनल्स के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करना है। एंड वहाँ पर पूरा जो कॉपी पेस्ट है डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट के लिए मिल जाएगा, पैनल से शुरू होगा, याद रखना पैनल से लेकर के एंड तक पूरा उसको कॉपी कर लेना, और इसको यहाँ वाई एम एल कर देना। फिर क्रिएट फाइल करने के बाद यहाँ पर ऐसे आर टी पी डॉट वाई एम एल लिख ही देना, वरना काम नहीं करेगा, इसीलिए याद से इसको लिख देना, आर टी पी डॉट वाई एम एल, ठीक है, लिखना है इसे, ठीक है। अभी मैं बैक कर देता हूँ मैंने, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट करा। और अच्छा ठीक है, अगर आपको यहाँ पर वाई एम एल नहीं दिखा रहा ना आर टी पी के आगे, तो इसे रीनेम कर लेना, ठीक है, और रीनेम करके आर टी पी लगा देना, ठीक है, तभी ये काम करेगा, ठीक है। अब इसे जेड एन पी सी एस में ऐड करने के लिए सिंपली हम लोग जेड एन पी सी एस के पास जाएंगे। चलो ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे स्लैश जेड एन पी सी एस एक्शन ऐड, अरे हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम का प्लगइन नहीं डाला, अच्छा कोई बात नहीं, डाल देंगे ऐड वन कॉन्सोल, कॉन्सोल ना कमांड पैनल आर टी पी परसेंटेज प्लेयर नेम परसेंटेज, ठीक है, और प्लेस होल्डर एपीआई आप लोग प्लगइन डाल करके उसको पापी ई क्लाउड डाउनलोड प्लेयर कर लेना, ठीक है, मैंने कर रखा है। फिर उसके बाद पापी रिलोड कर देना, ऐसे कर लेने के बाद स्लैश पापी रिलोड, ठीक है, ये सब करना ज़रूरी है। और मैंने ऐड कर लिया, देखो ऐसे खुल गया ये पैनल। अब मैं ओवरवर्ल्ड में टेलीपोर्ट करता हूँ, देखो हो गया टेलीपोर्ट। तो चलो गाइस अब इसमें लाइफ स्टील का प्लगइन डाल देते हैं, और लाइफ स्टील का बिल्कुल प्रीमियम प्लगइन मैं दे रहा हूँ फ्री में। अब कोई प्लीज़ मत कहना कि मैंने उस प्लगइन को लीक किया, नहीं मैंने लीक नहीं किया है, मैं करोड़ बार बोल रहा हूँ प्लीज़ मैंने वो उस प्लगइन को लीक नहीं किया है, वो किसी और डिस्कॉर्ड सर्वर ने लीक किया है, मैंने नहीं किया, मैं करोड़ बार बोल रहा हूँ मैंने नहीं किया है। और वो प्लगइन मैंने कहीं से मतलब उखाड़ के, एक डिस्कॉर्ड सर्वर है वहाँ से, वहाँ पर प्रीमियम प्लगइन्स फ्री में मिलते हैं, एक डिस्कॉर्ड सर्वर है वहाँ से मैं सारे प्रीमियम प्लगइन्स निकालता हूँ। तो मैंने उस प्लगइन को लीक नहीं किया, मैं हज़ार बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है, तो कोई मेरे पे ब्लेम मत डालना प्लीज़, मैं सच में उसे लीक नहीं किया, ठीक है। चलो अब डिस्कॉर्ड पे मैं वो प्लगइन दे दूँगा,
और वो प्लगइन मैंने डाउनलोड किया है ऑब्वियसली, एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, वो डिस्कॉर्ड सर्वर का नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि यार भाई वो लोग मेरे को मार डालेंगे, तो इसलिए मैंने ही मतलब मेरे पास ही है इसका एक्सेस, तो सिर्फ मैं ही इस प्लगइन को दे सकता हूँ। एंड मैंने लीक नहीं किया है अगेन यार, अगेन अगेन यार मैंने लीक नहीं किया है प्लगइन, ठीक है। मैं डर डर के दे रहा हूँ यार, कहीं यूट्यूब वाले स्ट्राइक ना दे दे यार, मुझे डर लग रहा है यार। अगर मैं तो प्रीमियम प्लगइन डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ आप लोग ना नॉर्मल प्लगइन डाल देना, ठीक है। मैं प्रीमियम प्लगइन डाल रहा हूँ, कहाँ गया वो प्रीमियम प्लगइन, कहाँ है एक्चुअली, ये मैंने मांगा था उससे, मतलब मेरा पुराना डेवलपर याद है ना आप लोगों को, तो बहुत नीचे होगा। अरे यार मैंने मांगा था उससे यार, गाइस एक मिनट मैं ढूंढता हूँ, मेगा टेक याद होगा आप लोगों को, उससे मैंने मांगा था। ओके तो मैं ढूंढ के बताता हूँ आप लोगों को, देखो यहीं पर था सामने, देखो लाइफ स्टील कोर बिल्ड, ठीक है। अगर आप लोग कोई प्लगइन चाहिए तो मैं, नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता यार भाई, यूट्यूब वाले मुझे मार डालेंगे, तो आप लोग इस प्लगइन को ख़रीद लेना, वरना अगर नहीं, अगर इसे ख़रीद सकते हो तो कुछ नहीं, लाइफ स्टील प्लगइन डाल देना, सिंपली लाइफ स्टील प्लगइन, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा प्लगइन है, ठीक है, लाइफ स्टील SMP प्लगइन कस्टमाइजेबल, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा प्लगइन है, ठीक है। पर मैं प्रीमियम प्लगइन डाल रहा हूँ, मेरे पास है इसीलिए, लेकिन आप लोग यही डालना, मैं प्लीज़ मैं कह रहा हूँ यही डालना। और जिनको चाहिए ना ये प्रीमियम प्लगइन, भाई मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को बूस्ट करो, जो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को बूस्ट करेगा उसी को मैं प्रीमियम प्लगइन खुद दूंगा, ठीक है, और टैब लिस्ट भी खुद दूंगा, जितने प्रीमियम प्लगइन उसे चाहिए, ठीक है। तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जाके बूस्ट करो कोई भी, ओके, मैं उसे फ्री में दूंगा प्लगइन। चलो हो गया, अब RTP.yml कहाँ गया, ठीक है। मैंने तो वो प्लगइन कहाँ अपलोड किया मैंने, डोंट टेल मी कि मैंने, देखो यहीं पर कर दिया, डिलीट करो उसे, यहाँ नहीं करना था। चलो प्लगइन्स के अंदर जा कर के यहाँ पर लाइफ स्टील कोर देन टैब प्लगइन, इधर नहीं दिख रहा मेरे को टैब प्लगइन, आप लोग इस टैब लिस्ट वाली वीडियो देख लो, मेरा पुराना वीडियो एक उसमें उसी में है, यहाँ टैप प्लगइन भी उसने बहुत पहले दिया था, नहीं मिलेगा तो वापस देख लूँगा, ये रहा, ठीक है, टैप प्लगइन। देखो ये प्लगइन सब प्रीमियम है, पर आप लोग को चाहिए तो आप लोग सिंपली नॉर्मल वाला, मेरा पुराना वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा उस वीडियो का, टैब प्लगइन का, तो आप लोग उस पर से जाके देख सकते हो, टैब लिस्ट पूरा फुल सेटअप है, और स्कोरबोर्ड वाली भी वीडियो मैं डाल दूंगा सब डिस्क्रिप्शन में, और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिला तो मेरी पॉपुलर वीडियोस में से वो है, ठीक है, वही सब वीडियोस है मेरे पॉपुलर वीडियोस में, तो वहाँ पर जाकर देख लेना, पैनल ओपन फॉर अबोंडर वाइटी। चलो ठीक है, एडवांसमेंट, चलो छोड़ो अभी इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, हमने अभी लाइफ स्टील का प्लगइन डाल दिया, चलो और कुछ तो काम रह नहीं गया, चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ रिस्टार्ट हो जाने के बाद, उसके बाद हमें क्या करना है, टैबलेट एंड वो सब बनाएंगे। अभी एक काम करते हैं, इस वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म कर देते हैं गाइज, आज इस वाली वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी आप लोगों को, सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो मेक श्योर यू हिट डेट लाइक बटन, एंड या एक और चीज़ बताना चाहता था, एंडर नोड्स में अब फुल हो चुका है सर्वर, तो आप लोग शायद नहीं बना पाओगे, अब ये मुझे थोड़ी देर पहले पता चला, पर एंडर नोड्स का जल्द ही नया वो आ जाएगा, मतलब और भी, मतलब आप लोग अगर लेट देख रहे हो वीडियो तो यू आर लकी, और अगर अभी जस्ट वीडियो देख रहे हो तो 2 दिन यार, 3 दिन 4 दिन इंतज़ार कर लो यार, आ ही जाएगा यार, इंतज़ार सब्र का फल मीठा होता है। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, टेक केयर एंड बाय।